Jai Hind. Good morning, Namaste. Naam Rajiv Ayat, writer, motivational speaker, marathon runner, biker by profession. ये book एक छोटा सा प्रयास है इस माँ धरती माँ भारती का कर्ज उतारने का. ये book प्रयास है इस देश में जो युवा पीढ़ी है उनके अंदर क्रांति लाने का. मात्र लिखना मेरा मकसद नहीं, मैं तो बदलाव लाना चाहता हूँ. अगर पैसे कमाना ही मेरा मकसद होता तो शायद मैं कंपनियाँ खोल चुका होता, शायद मैं किसी MNC कंपनी में जहाँ से मैंने रिजाइन किया हुआ है काम कर रहा होता. मेरा मकसद है चिंगारी पैदा करूँ, मेरा मकसद है एक ऐसी युवा पीढ़ी पैदा करूँ जो सिर्फ सपनों का पीछा करे. ये बुक मैं डेडिकेट करता हूँ इस महान देश को. जब भी मैं सुबह आँखें खोलता हूँ मेरे को लगता नहीं यार, उस ईश्वर ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा बलिदान किया है, मेरे ऊपर बहुत बड़ा त्याग किया है, मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है कि भारत जैसे महान देश में मेरा जन्म हुआ है. इस कवर पेज को देखकर आपको लग रहा होगा ये बुक डेफिनेटली एक ऐसे महान व्यक्ति को समर्पित है. शायद ही हमारे देश के अंदर ऐसा कोई नेता हुआ हो, ऐसा कोई प्रधानमंत्री हुआ हो, कोई ऐसा MLA MP हुआ हो. 3 बार CM, 1 बार PM, सेकंड इनिंग भी प्रधानमंत्री मोदी की शुरू हो चुकी है. अभी तक उनके पास रहने को बंगला नहीं है, गाड़ी नहीं है. ऐसे PM को मैं सलाम करता हूँ. ऐसे PM इस देश को बहुत आगे ले जाएंगे और ये मेरा सौभाग्य है कि मोदी जी के लिए मैंने कुछ शब्द इस बुक में लिखे हैं जिनसे मैं बचपन से इंस्पायर हुआ हूँ. शहीद आजम भगत सिंह, हम तो भगत सिंह के भक्त हैं. ये एक छोटा सा प्रयास है भगत सिंह को समर्पित है, मेरे गुरु. उनके एक एक शब्द में क्रांति है. 2 शब्द मैं कहना चाहूँगा युवाओं के लिए. अक्सर मैं बोलता हूँ जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है और गैरों के कंधों पर सिर पर सिर्फ जनाजे उठा करते हैं. अपने अंदर खुद ऐसी काबिलियत पैदा करो कि हम कुछ अपना नाम कमा सकें, अपने देश के लिए कुछ कर सकें, अपने समाज के लिए कुछ कर सकें. सबसे पहला आपने फोटो देखा होगा, ये भी मेरे एक बहुत बड़े गुरु हैं जिनकी किताबें जिनके शब्द सुनकर मैं बचपन से बड़ा हुआ हूँ. युग पुरुष महानायक स्वामी विवेकानंद. ये एक प्रयास है विवेकानंद जी को भी चरणों में समर्पित है. ऐसे महान लोग जिनका जन्म भारत भूमि में हुआ है वहीं पर जन्म लेने का सौभाग्य आजाद जैसे मामूली इंसान को हुआ है. ये माँ भारतीय कर्ज उतारने का प्रयास है. मैं अंतिम सांस तक इस देश का कर्ज नहीं उतार पाऊंगा लेकिन कुछ ना कुछ प्रयास करूंगा. ना मैं धीरूभाई अंबानी हूँ, ना अनिल अंबानी हूँ, ना ही मैं अडानी हूँ. मेरे पास पैसे हैं ही नहीं कि मैं पैसे लुटा सकूँ. मुझे सिर्फ ईश्वर ने कलम को सिपाही बनाया है. मेरे पास सिर्फ शब्द हैं लेकिन मैं किताबें बेचना नहीं चाहता. अगर किसी को लग रहा हो किताबें बेचनी है तो गलत है. मैं सिर्फ कुछ लोगों के जीवन में बदलाव ला सकूं, मेरा जीवन सफल है. किताब बेचनी होती तो शायद मैं आपको पता है क्या लिखता, डिवोर्स के ऊपर लिखता, मैं अडल्ट्री के ऊपर लिखता, मैं सेलिब्रिटीज के ऊपर लिखता और मैं लिखता सनी लियोन के ऊपर. नहीं, मुझे नहीं लिखना ऐसे लोगों पे, लिखने वाले बहुत हैं. पैसे कमाना मकसद है ही नहीं कभी साला. पैसे मुझे सिर्फ देश सेवा करनी है, मुझे सिर्फ युवाओं के अंदर क्रांति लगानी है. अभी मैं रिसर्च कर रहा था, एक चैप्टर है इसके अंदर सुसाइड के ऊपर. नेवर कमिट सुसाइड, जीवन में कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए. हमारे देश के अंदर 1 घंटे में 15 लोग सुसाइड करते हैं. क्या हो रहा है यार, ये 15 लोग सुसाइड करते हैं, ये बहुत बड़े अपमान की बात है. उन 15 लोगों से मैं कहना चाहता हूँ असंभव कुछ भी नहीं है. हिम्मत क्यों हारते हो आप यार, कोशिश करो, प्रयास करो, सब कुछ हो सकता है. आप बस हिम्मत हार गए. लोग जमीन से उठते हैं बहुत आगे निकल जाते हैं. मोदी जैसा प्रधानमंत्री हमारे लिए एग्जाम्पल है. एक चाय बेचने वाले परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति कहाँ तक पहुँच गया. बड़े बड़े सिंहासनों को ला दिया उसने, पूरे विश्व में नाम कर दिया. और आप बस, हमारी सैलरी नहीं बढ़ी, हमारा प्रमोशन नहीं हुआ, हमने बस, या फिर हमारे नंबर कम आए, हिम्मत हार गए. अब नहीं हो सकता, हिम्मत नहीं हारनी बस जीवन में, हमेशा लगे रहो. हमारे गुरुदेव विवेकानंद जी बोलते थे यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, आप अपने भाग्य के खुद निर्माता हो. यार जब विवेकानंद जैसा व्यक्ति जो कि गीता में विश्वास करता था, हिंदू संस्कृति में विश्वास करता था, जो कि भगवान राम को माँ काली को मानने वाला था, वो ये कहता है कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी. आप प्रयास करो, आप कुछ भी कर सकते हो, संभव कुछ है ही नहीं है. हमारे सामने बहुत एग्जांपल है. एक व्यक्ति ने 10,000 रुपये लेके कंपनी शुरू करी थी पूना के अंदर early 80s में. इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया यार, बहुत एग्जाम्पल है. धीरूभाई अंबानी कभी पेट्रोल पंप के ऊपर पेट्रोल डालते थे लेकिन उनका सपना ये नहीं था कि पेट्रोल पंप का मैनेजर बनूँ. उनका सपना था मैं ऐसी कंपनी खोलूंगा जहाँ पेट्रोल बनेगा. अपने सपने ऐसे बनाओ यार, जब सपने ही छोटे होंगे तो कुछ फायदा नहीं है. सपने छोटे मत रखो, सपनों को बड़ा रखो. जिंदगी के अंदर जितने बड़े सपने होंगे उतना बड़ा संघर्षों का ध्यान रखें. जिंदगी में अगर आपको बनना है कंप्यूटर ऑपरेटर, 12th पास करो, टाइपिंग सीख लो, ऑपरेटर बन जाओगे. लेकिन सपने ऐसे बनाओ कि लोग हंसे या फिर ताज्जुब करें, नहीं यार कुछ तो करना है. मेरा सपना है कि मोदी जी को ये बुक गिफ्ट करूं. अब ईश्वर ने अगर चाहा तो मैं डेफिनेटली मोदी साहब से मुलाकात करूंगा, उनका आशीर्वाद लूंगा.
हम बीजेपी के समर्थक है लेकिन हम बीजेपी के मेंबर नहीं है, हम आरएसएस के समर्थक है लेकिन हम आरएसएस के मेंबर नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ इस देश के मेंबर हैं, हम सिर्फ और सिर्फ इस माँ भारती के मेंबर हैं। जो भी इस देश के लिए काम करेगा, बात करेगा, हम उसके सपोर्ट के लिए जी जान लगा देंगे। और एक और व्यक्ति का नाम लेना चाहूँगा जिसने मुझे बचपन से इंस्पायर किया है। अगर आप इसमें देखें, ये किताब समर्पित है गुरुदेव विवेकानंद को, जिनके बारे में बात हो चुकी है, भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद को। आजाद साहब ने कहा था, अंग्रेजों ऐसी गोली ही नहीं बनी जो मुझे जिंदा पकड़ सके, गिरफ्तार कर सके, तो शायद वो क्रांति थी। महारानी लक्ष्मीबाई को 22-23 साल की उम्र में उस लक्ष्मीबाई ने पूरे अंग्रेज सिंहासन को हिला दिया था, शायद इसीलिए उसका इतिहास में नाम अमर है। और एक और महान नायक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनके दो लाइन कहना चाहता हूँ मैं, सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। तो कुछ ऐसे सपने बनाओ यार, बस बड़ी बड़ी बातें करी सो गए, ऐसा मत करो। दिस बुक वाई सक्सेस इज अ मॉडेस्ट हम्बल इनिशिएटिव रिटन बाय अ हम्बल राइटर राजीव आजाद। विथ दिस बुक आई एम ट्राइंग टू ट्रिगर फायर अमंग द पीपल, आई एम ट्राइंग टू फिगर ट्रिगर फायर अमंग द यूथ जनरेशन। दिस इज अ हम्बल इनिशिएटिव टू इंस्पायर पीपल। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, आई एम वेरी मच अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया, आप गूगल में लिखेंगे राजीव आजाद, बहुत सारे पेज मिलेंगे। आई एम अवेलेबल ऑन लिंक्डइन, आई एम अवेलेबल ऑन फेसबुक, आई एम अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम, आई एम वेरी मच देयर ऑन ट्विटर। सिंपली राइट इन गूगल राजीव आजाद, यू विल कम अक्रॉस सर्टेन पेजेस, ऑल पेजेस बिलोंग टू मी। इफ यू वॉन्ट टू कनेक्ट डायरेक्टली टू मी, आई एम वेरी मच अवेलेबल ऑन फोन नंबर 9520691164। यू कैन रीच आउट टू मी थ्रू जीमेल एज वेल, dreamrajiv1931@gmail.com। दो लाइन कहना चाहता हूँ अंत में, आपसे फिर मुलाकात होती रहेगी, मंजिल तो मिल ही जाएगी और भटक कर ही सही, और गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। और हमेशा ध्यान रखें, अपने अंदर एक ऐसी क्रांति पैदा करें कि वो क्रांति तभी बुझनी चाहिए, या तो हम सपने पूरा कर लें या फिर हम मर जाएं, लेकिन मरने से पहले, सपने से पूरे करने से पहले वो क्रांति नहीं बुझनी चाहिए। हमेशा याद रखें, टूटे हुए मकानों की लोग ईंट भी लूट लिया करते हैं। अपने अंदर को ऐसा जज्बा पैदा करो कि हम गिरे ही नहीं, हम बेशक लुढ़के, हम बेशक फेल हों, लेकिन हम टूट ना पाएं, हम बिखर ना पाएं। अगर हम बिखर गए तो पता नहीं कितने लोग, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त तैयार बैठे हैं, कोई चक्कू लेके, कोई बुलेट लेके, कि नहीं यार ये कुछ नहीं कर सकता ज़िंदगी में। अपने आप को बिखरने मत देना बस, चाहे बेशक आपको सफलता देर में मिले, लेकिन सफलता के लिए प्रयास करते रहना। जाते जाते एक एग्जाम्पल और देना चाहता हूँ, जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको पता होगा, केंटकी फ्राइड चिकन KFC को सफलता 60 साल के बाद मिली थी। तो समझो यार उस व्यक्ति ने कितना संघर्ष किया होगा, लगा रहा। आज KFC के नाम से पूरे फ्रेंचाइज ऑल ओवर इंडिया है, उनकी वर्ल्ड फेमस ब्रांड है। कोशिश करो यार, सफलता मिलेगी, सफलता की हर एक की उम्र डिसाइड कर रखी ईश्वर ने, लेकिन आप कर्म करेंगे तभी वो उम्र आपको मिलेगी। हमारे गुरुदेव सचिन तेंदुलकर, जिनके बारे में इस बुक में विवरण है, उन्होंने पहला मैच 16.5 वर्ष की उम्र में खेला था। और एक व्यक्ति शायद अगर हम बात करें जो कि 25-30 साल के बाद उनको क्रिकेट में इंडियन नेशनल टीम में शामिल होने का मौका मिलता है, तो आप संघर्ष करते रहिए, आपकी उम्र आपको मिलेगी। एक और एग्जांपल देना चाहूँगा, डोनाल्ड ट्रंप नाम का व्यक्ति लगभग 75 साल की उम्र में अमेरिका का प्रेसिडेंट बना है, और बराक ओबामा 2 साल राष्ट्रपति रह के 8 साल तक काम किया, वो चला गया, उसकी उम्र भी 55 या 56 होगी। हर एक का उम्र निश्चित है, ऊपर वाले ने बना रखी है, हमें कंपेयर नहीं करना है, सिर्फ खुद को हराना है, सिर्फ खुद को, और किसी को हराने की कोशिश नहीं है। और जाते जाते सिर्फ शहीद आजम भगत सिंह की फिर लाइन कहना चाहता हूँ, यार मैं भगत देश के अलावा कुछ लिख नहीं पाऊँगा, आइडियाज बहुत है, क्रिएटिविटी बहुत है, लेकिन मैं लिख नहीं पाऊँगा, मेरे जज्बात से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, मैं इश्क मोहब्बत भी लिखना चाहूँ पर वो सिर्फ और सिर्फ इनकलाब उगलती है। जय हिंद जय भारत, आपसे फिर कई मुलाकात होगी, खुश रहें, आबाद रहें, जय भारत।